पिछली क्लास में हमने देखा था एंगुलर प्रोजेक्शन, ना सॉरी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। अब हम जो स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज एंगुलर प्रोजेक्शन ऑन ग्राउंड। ये वाला पार्ट हम देख रहे होंगे, दिस इज एंगुलर प्रोजेक्शन ऑन ग्राउंड। एंगुलर प्रोजेक्शन ऑन ग्राउंड देखते हैं किस तरह से होगा। पहले बताओ स्क्रीन विजिबल है या नहीं है। चलो देखिए, तो अब बोर्ड पे देखें एंगुलर प्रोजेक्शन ऑन ग्राउंड। मयंक आप यार अपना एक बार ना ये म्यूट कर लीजिए, आप अपने आप को, बार बार डिस्टरबेंस हो रही उधर से। देखिए एंगुलर प्रोजेक्शन ऑन ग्राउंड किस तरह क्या होना है, सुने। ये सिंपली आपने हॉरिजॉन्टल ग्राउंड बनाया, ये जो लाइन आप बना के चल रहे हैं दिस इज योर हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। ये बार बार मेरी स्क्रीन क्यों हो रही इधर से, एक मिनट। अब देखो ये जो मैंने बनाया है दिस इज हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, दिस इज सिंपली हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। और इस पे ना एक पार्टिकल को यहां से किसी एंगल पे प्रोजेक्ट किया विद अ स्पीड यू एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। आपने इस तरीके से इसको प्रोजेक्ट किया विद अ स्पीड यू एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। तो ये जो पाथ होगा ये कुछ इस तरह का जाना है, ये तो हम अपनी कॉमन सेंस से समझ सकते हैं कि हाँ भाई ऐसा ही पाथ होना है। ये पाथ इस तरह का जाना है, कितनी दूर ये जाके टकराएगा उसको नाम दिया जाता है कल की तरह हॉरिजॉन्टल रेंज। टी बराबर जीरो पे अगर आपने फेंका है कितने टाइम बाद टकराएगा, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। ये है इसकी मैक्सिमम हाइट एच। तो सबसे पहले मैं आपको दो तीन फॉर्मूले बताऊं जो हमें याद भी करने, फिर हम इसको ढंग से लेके भी आएंगे। सबसे पहली चीज टाइम ऑफ फ्लाइट टी, दिस इज 2u sin थीटा बाई जी। टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u sin थीटा बाई जी। दूसरी चीज हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज r, इसका फॉर्मूला आएगा u स्क्वायर साइन ऑफ टू थीटा बाई जी, वेयर थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद द हॉरिजॉन्टल। तीसरा फॉर्मूला मैक्सिमम हाइट, ये जो मैक्सिमम हाइट यहां पहुंचनी है एच, इसका फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी। एक तो हमें ये तीन फॉर्मूले याद रखने हैं जो हम अभी डेराइव कर रहे होंगे। इसमें जो गिवन है दो तीन चीजें गिवन है, u दैट इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, u इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, थीटा इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद द हॉरिजॉन्टल एंड जी इज एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दिस इज योर जी। आप एक बार ना ये चीजें नोट कीजिए फिर हम इसके बाद आगे बढ़ेंगे, पहले इसको आप बना दीजिए ढंग से।
एक बार पार्टिसिपेंट्स पे नजर डाल रहा हूँ, टोटल पार्टिसिपेंट्स है 21, जिसमें दो कम कर दो यानी कि 19 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो 19 है। जो पार्टिसिपेंट्स इसमें दिखा रहे हैं वो है मयंक, तनिष्का, नितिन, दिवेश, हिमांशु कौशिक, भूमिका वर्मा, रूपाक्षी गर्ग, मन्नत गुप्ता, आदित्य यादव, तनिषा, नीरू यादव, भूपेश यादव, प्रिंसेस यादव, मयंक यादव, जतिन गुप्ता, जितेश खोला, साक्षी यादव, रौनक यादव, मीनल और एक अभी अभी जुड़े हैं सौरभ यादव। 22 पार्टिसिपेंट्स हुए हैं। टोटल 20 स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं, मतलब अभी चले ये नोट हो गया है तो बच्चों लिख लिया क्या? ठीक है ठीक है ठीक है। अब इसका एनालिसिस करते हैं कि किस तरह से चीजें निकलेंगी। और कल जैसे पिछले एक दो लेक्चर्स में हमने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट का एनालिसिस किया, ऐसे इसका उत्सव वाली टेबल बना के एक्स वाई कंपोनेंट करके फिर इसका एनालिसिस करते हैं। देखिए मिटा रहा हूं एक बार ना इसको, ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को आपने मान लिया ओरिजिन, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड को एक्स एक्सिस एंड वर्टिकली अपवर्ड को मैंने माना वाई एक्सिस। कल वर्टिकली डाउन को माना था, आज वर्टिकली अप को माना है। जो पाथ है कुछ इस तरह का है, इनिशियल स्पीड यू है एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल और यहां से इसको फेंका गया है एट टी इक्वल टू जीरो। मान लो किसी भी वक्त ये यहां कहीं पहुंच गया, जनरल एक्स कोमा वाई पोजिशन पे, टाइम हो चुका है टी, वेलोसिटी हो चुकी है इधर की तरफ वी, डिस्प्लेसमेंट अगर मैं इसका बताऊं इस वक्त, तो डायरेक्ट इनिशियल से फाइनल को आप ज्वाइन करोगे, ये इसका बनेगा एस। सबसे पहले हम अपनी उत्सव वाली टेबल कंप्लीट करते हैं, फिर कुछ काम आगे बढ़ पाएगा। पहली रो बना करती थी फिजिकल क्वांटिटी, यहां पे आता था उसका एक्स कंपोनेंट और यहां पे आता था उसका वाई कंपोनेंट। चलो आप बनवाएंगे टेबल, देखो उत्सव यू टी एस ए वी ये है। सबसे पहले बताओ यू एक्स कितना और यू वाई कितना, बताओ डायग्राम से देख के बताओ यू एक्स कितना और यू वाई कितना, डायग्राम से देख के आप बताएं कि यू एक्स कितना और यू वाई कितना। जीरो नहीं आज, ये कल था कि भाई आप डायग्राम तो देखो एक बार, U को देखो और उसके कंपोनेंट करने, एक X के लोंग एक Y के लोंग। U cos theta हाँ, U X जो
यू एक्स जो होगा यू का एक्स की तरफ कंपोनेंट और वो आगे की तरफ ही और आगे ही पॉजिटिव है तो यू एक्स विल बी यू कोस थीटा। अब यू वाई बताएं, यू वाई हाँ जी यू साइन थीटा ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव साइड ही है तो यू वाई हो गया यू साइन थीटा। पहली बात हमें टेबल बनानी आनी चाहिए तब काम बढ़ेगा आगे। अब ए के कंपोनेंट बताओ, यू और ए करने के बाद फिर बाकी तीन पे हम चला करते हैं। ए के बताएं पूरे रास्ते एक्सेलरेशन नीचे है और वो जी है, पूरे रास्ते एक्सेलरेशन नीचे है और जी है तो बताओ ए के कंपोनेंट ए एक्स क्या होगा और ए वाई क्या होगा। ए वाई कितना हाँ ठीक है माइनस जी क्योंकि डायरेक्शन नीचे, कल आपने ना वाई एक्सिस नीचे मान रखा था तो हमारा ए वाई सही बन गया था जी, आज वो वाई एक्सिस ऊपर है तो ए वाई माइनस जी होगा। अब आते हैं किसी टाइम टी पे, ये वेलोसिटी ये पोजीशन, तो टाइम के कंपोनेंट होते नहीं है, टाइम चलते चलते एक्स एक्सिस के लिए भी टी हो चुका है और वाई एक्सिस के लिए भी। अब कंपोनेंट होंगे एस के और वी के, एस के कंपोनेंट मैंने कल भी बताए थे बताओ क्या क्या होंगे, बताओ भाई एस के कंपोनेंट मैंने डायग्राम में भी दिखा दिया कल बताया भी था, बताइए आप बोलो एस के कंपोनेंट बोलिए और कुछ मत बोलिए। हाँ जी नीरू बताइए आप, एक्स और वाई तो मैं इतनी देर होगी पूछते पूछते बोला करो, एक्स और वाई कोई भी बोल दिया करो, कल भी पढ़ा था हमने। और वी के जो कंपोनेंट होते वो हमें नहीं पता, तो एक कंपोनेंट मैंने मान लिया वी एक्स और एक कंपोनेंट मैंने मान लिया क्या वी वाई, तो वी एक्स एंड वी वाई ये आपके वी के कंपोनेंट हो गए, ये आपकी बनी टेबल। अच्छा अब इस टेबल के बनने के बाद सबसे पहली चीज जो हम निकालेंगे जो कल भी निकाली होगी हमने, नंबर वन पोजीशन एट टाइम टी, सबसे पहली चीज जो हम निकाल रहे हैं दैट इज पोजीशन एट टाइम टी। भाई आपने ये पढ़ा था कल कि ये जो इक्वेशन है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको दो बार लगा लेना है, एक बार अलोंग एक्स एक्सिस और एक बार लगा लेना है अलोंग वाई एक्सिस। लगवाओ इस टेबल को लगवाओ, अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगा सारी चीजें देखो यहां से, अलोंग एक्स एक्सिस एस की जगह क्या है, एस की जगह एक्स बराबर यू की जगह आज यू कोस थीटा इंटू टी, बस बस क्यों आगे आगे जीरो हो जाएगा, ए जीरो है, ए जीरो है इसलिए जीरो हो गया। चलिए वाई की इक्वेशन बताओ, एस की जगह वाई इक्वल यू की जगह यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी, वो ए की जगह माइनस जी आएगा तो ये बन गया माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकंड। तो आप बताओ इक्वेशन वन और टू समझ आया क्या हमें, कल की तरह बना ली हमने, तो ये आ गई पोजीशन एट टाइम टी। दूसरा काम अब हम निकालने जा रहे हैं इसमें इक्वेशन ऑफ पाथ। इक्वेशन ऑफ पाथ का मतलब होता है रिलेशन बिटवीन वाई एंड एक्स। तो कल भी हमने सीखा होगा एलिमिनेट टी फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, एलिमिनेट टी फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू। तो इक्वेशन वन से टी आया एक्स अपॉन यू कोस थीटा,
इसको आप पुट कीजिए इक्वेशन नंबर टू में, तो वाई आएगा यू साइन थीटा इंटू टी, टी की जगह एक्स अपॉन यू कोस थीटा, माइनस हाफ इंटू जी एक्स अपॉन यू कोस थीटा का होल स्क्वायर। तो जो फाइनल इक्वेशन आई, इक्वेशन ऑफ पाथ, ये आ रही है यू से यू कटा, साइन अपॉन कोस टेन एक्स टेन थीटा माइनस जी अपॉन टू यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन हमें याद रखनी है, इस एंगुलर प्रोजेक्टाइल की ये इक्वेशन ऑफ पाथ होती है, और ये भी एक पैराबोला को ही रिप्रेजेंट कर रही होती है, ये एक पैराबोलिक पाथ की इक्वेशन है, ये एक पैराबोलिक पाथ की इक्वेशन है, आप ये नोट कीजिए। अभी जो पार्टिसिपेंट्स हैं दीज आर 23, हर्ष एक और बच्चा जुड़ा है, 23 मींस 21 स्टूडेंट्स। तो एब्सेंट कितने रह गए हैं? अगर 21 स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, कितनी एग्जैक्ट स्ट्रेंथ है अपनी क्लास की, 30 या 31? नोट हो जाए तो बता देना, फिर आगे बढ़े ताकि। अच्छा तब तक मैं वो बात कर लेता हूँ, कल तो मैथ्स की क्लास थी, सर ने एक्सटेंड की थी, वो बता दिया था उन्होंने मुझे। आज आप लोग आ रहे हैं दोबारा 12 बजे? हाँ भी बोलिए। ठीक है, आज आ जाना, कल उस समय ना मैथ्स की क्लास थी और सर बोल रहे थे कि आज मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, तो इसलिए आज अपनी डबल क्लास होंगी और 12 बजे हम दोबारा मिलेंगे और ये टॉपिक ही कंटिन्यू होगा। ये हो सकता है अभी एक क्लास में पूरा ना हो पाए, तो और भी आपके कोई डाउट वहां भेज सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप करके पहले, बाद में उस समय डायरेक्ट नहीं आएगा, ये मेरा वाला फोन इस समय रिकॉर्डिंग मोड में रहता है, तो वो फ्लाइट मोड में चलता है मेरा वाला। देखो यार, ये रिकॉर्डिंग आप लोगों के लिए भेजी जा रही है कि अगर किसी बच्चे की बाई चांस क्लास मिस हो जाए, जैसे 8-10 बच्चे एबसेंट है, तो कम से कम बाद में वो पढ़ के देखने की क्या हो रहा है क्या नहीं। नोट हो गया है क्या? कर लो आराम से कर लो। आज जो बच्चे प्रेजेंट है, क्या ये सारे कल थे क्लास में, या कोई ऐसा बच्चा है जो कल नहीं था आज आया है? एक बार बोल के बताओ भाई, फिर कुछ पूछ रहा हूं आपसे, क्या अभी जो पार्टिसिपेंट है उसमें कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कल लाइव क्लास में नहीं था, अभी आया है आज? एक भी नहीं ऐसा। देखो हमने ये तो निकाल लिया x और y एट टाइम t,
हाँ भाई हो गया क्या? ठीक है मिटा दू ना इसको, अब मैं डायग्राम नहीं मिटा रहा, ये टेबल नहीं मिटा रहा, मैं इस साइड की चीजें मिटा रहा हूँ, इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी आपकी कॉपी में लिखी हुई है। अब मान लो मैं इसमें निकालूं ये वेलोसिटी क्या है एट टाइम टी, सपोज मैं ये निकालने चला वेलोसिटी एट टाइम टी, सपोज ये वाली चीज हम निकाल रहे हैं वेलोसिटी एट टाइम टी, तो क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम ये वाली इक्वेशन यूज कर सकते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, लेकिन आपको ना सेपरेटली यूज करनी पड़ेगी क्योंकि ये 2D में लगा रहे हैं, एक बार यूज करनी पड़ेगी अलोंग x एक्सिस एक बार यूज करनी पड़ेगी अलोंग y एक्सिस। चलिए लगवाएं ये इक्वेशन लगवाएं अलोंग x एक्सिस अलोंग y एक्सिस इस टेबल की मदद से, पहले अलोंग x एक्सिस बोलिए क्या बनेगी, Vx is equal to v की जगह Vx, हाँ जी आगे बोलो u की जगह u cos theta आगे जीरो हो जाएगा, आगे कुछ है नहीं, तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर थर्ड। और y के अलोंग बताएं vy equal to v की जगह vy, u की जगह u साइन थीटा और a की जगह माइनस जी और इनटू, मतलब हमें किसी भी समय वेलोसिटी निकालनी आ गई है, किसी भी टाइम पे हमें वेलोसिटी निकालनी आ चुकी है वेलोसिटी एट टाइम t, और अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड ही चाहिए तो वो हो जाना है अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, तो वेलोसिटी एट टाइम t बनेगी अंडर रूट ऑफ यू कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं, कोई ऐसा एक्सप्रेशन नहीं आएगा। अच्छा दूसरी बात, मैं एंगल की बात करता हूं, सपोज इस समय वेलोसिटी ने हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल फाई बनाया, लेट वी वेक्टर makes an angle phi with the horizontal at time t, तो मैं phi निकालूं। अब अगर मैं phi निकालने की तरफ चलूं तो इस velocity triangle में देखिए ये velocity है, horizontal के साथ उसका angle phi बोल दिया, और उसके जो दो component हैं एक आपने बोला हुआ है Vx और एक आपने बोला हुआ है Vy, ये यहां है डायग्राम में, यहां मैंने अलग दिखा दिया, यानी कि ये भी Vy। तो अब अगर आप देखोगे तो tan phi को मैं लिख सकता हूं Vy अपॉन Vx, और Vy ये रहा और Vx ये रहा, तो अगर आपको phi ही लिखना हो तो phi लिखा जाएगा tan inverse ऑफ Vy upon Vx. Now Vy at time t is u sin theta minus gt and this is u cos theta. तो velocity at time t का magnitude और ये उसकी direction दोनों हमने separately निकाल दी हैं, आप ये नोट कीजिए, magnitude direction दोनों आप नोट कीजिए।
लिखिए, आप लिख लीजिए, हाँ जी हो गए नोट? यस सर। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, ये समझ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे इस मोड में, जैसे हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं ये सब? हाँ भाई, ये लिख रहे हो ना ढंग से, नोट्स बना रहे हो अपने, फेयर नोट्स? यस सर। ठीक है। यस सर। तो अब अगली हेडिंग, नंबर वन हुआ पोजीशन एट टाइम टी, नंबर टू वेलोसिटी एट टाइम टी, अब नंबर थ्री अगर टाइम की बजाय पोजीशन दी हो तो वेलोसिटी एट पोजीशन एक्स कॉमा वाई कैसे निकालेंगे? अच्छा मैं एक और चीज इसमें बताना चाहूंगा बीच में, वी एक्स बराबर आ रहा है यू कोस थीटा, क्या ये रिजल्ट कल आया था क्या? क्या कल ऐसा कुछ रिजल्ट आया था हमारे सामने? क्या है ये रिजल्ट? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो शुरू में रहता है वही बाद में रहेगा। इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है? यू कोस थीटा, और इस समय भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वी एक्स, और वी एक्स बराबर आ गया यू कोस थीटा। क्या कल ऐसी चीज हमने लिखी थी अलग से नोट्स में? ठीक है, सेम यही चीज यहां भी है कि ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स द सेम। मैं लिख देता हूं यहां पर, आप भी नोट कर लें, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स द सेम, यानी कि किसी भी वक्त जो वी एक्स होगा वो इनिशियल यू एक्स के बराबर होगा, और वी एक्स बराबर हो जाएगा U cos थीटा। ये पॉइंट आप अलग से एक बार नोट कर लीजिए, ये वाला पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिख लिया होगा। अगली चीज जो इसमें हम निकाल रहे होंगे, वेलोसिटी एट पोजीशन एक्स वाई, अब हम ये वाली चीज निकालने वाले हैं कि वेलोसिटी एट पोजीशन एक्स वाई, टाइम की बजाय अगर पोजीशन दी हो उस पे वेलोसिटी निकालनी हो, तो देखो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि भाई एक इक्वेशन और है कांस्टेंट एक्सेलरेशन की,
वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। एक बार इसको लगाएंगे अलोंग एक्स एक्सिस, और एक बार इसको लगाएंगे अलोंग वाई एक्सिस। ये वाला टॉपिक अभी तो आखिरी 10 मिनट चल रहे हैं, ये वाला टॉपिक कंटिन्यू होगा 12 बजे, ठीक है ना। जो 3 फॉर्मूले लिखे वो भी हम डेराइव करेंगे, तो अभी आप इसको समझते चले जितना उपाय का भी हो रहा है। अलोंग एक्स एक्सिस लगवाओ ये इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन v की जगह vx, u की जगह u cos थीटा का स्क्वायर, और a की जगह 0, तो ये खत्म आ गया। यानी कि यहां से फिर वही आ गया कि vx इज इक्वल टू u cos थीटा, ये तो वो सेम ही इक्वेशन आई। अलोंग y एक्सिस आप लगवाएं ये इक्वेशन, अलोंग y एक्सिस v की जगह vy, u की जगह u साइन थीटा, प्लस टू a की जगह माइनस g, और s की जगह है y, तो vy स्क्वायर आ गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gy। अब देखो जो v वेक्टर होता है किसी भी वक्त वो होगा vx i कैप प्लस vy j कैप, इसका मतलब मैं v स्क्वायर लिख पाऊंगा vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, तो v स्क्वायर लिख पाऊंगा vx स्क्वायर, तो ये रहा ऊपर u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और vy स्क्वायर ये रहा u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस 2gy। इन दोनों में से u स्क्वायर कॉमन आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 बन जाएगा, और ये बना वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gy। एक ऐसी याद रखने लायक इक्वेशन है जो 1D में लगती है, लेकिन यहां डायरेक्ट 2D में आ गई। यहां वेलोसिटी u, यहां किसी एंगल पे v, हाइट y अगर है, तो ये भी एक काम की इक्वेशन है जो हम याद रखें कि वेलोसिटी एट एनी हाइट y इस फॉर्मूले से निकल जाएगी, x का कोई रोल नहीं है उसमें, ठीक है। नोट कीजिए इसको, हाँ भाई हो गया नोट? यस सर। ठीक है, देखो अब अभी तो 1 मिनट बचा है, मैं आपको बता देता हूँ कि हमने क्या कर लिया और क्या अगले लेक्चर में जो 12 बजे मिलेंगे तब करने वाले हैं। एक तो हम निकालेंगे 12 बजे इसका टाइम ऑफ एसेंट, ऊपर पहुंचने का टाइम, टाइम ऑफ एसेंट ऊपर पहुंचने का टाइम, टाइम ऑफ डिसेंट नीचे उतरने का टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट पूरा टाइम, मैक्सिमम हाइट रीच्ड, हॉरिजॉन्टल रेंज एंड फाइनल वेलोसिटी। यानी कि ये टॉपिक अभी तो आधा भी नहीं हुआ है, एज इट इज ये कंटिन्यू होना है नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में हमने क्या क्या सीख लिया है इसके बारे में, सबसे पहली बात किसी भी टी टाइम पे इसकी पोजीशन हमने निकाली एक्स वाई, एक्स आया था यू कोस थीटा इंटू टी और वाई आया था यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। उसके बाद हमने इसकी वेलोसिटी निकाली एट टाइम टी, उसके बाद हमने इसकी वेलोसिटी का एंगल निकाला हॉरिजॉन्टल के साथ एट टाइम टी, एक रिजल्ट देखा कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेंस द सेम, वो कल वाला ही रिजल्ट। उसके बाद हमने इसकी
वेलोसिटी निकाली एट एनी जनरल पोजीशन एक्स वाई और वहां से पता लगा केवल हाइट का रोल है। अगर हाइट वाई ऊपर गया तो जो स्पीड होगी वो डायरेक्ट इस फॉर्मूले से मिल जाएगी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी वाई। आप बताओ ये इतना समझ आ गया है कि नहीं? ठीक है, अब 12 बजे दोबारा क्लास स्टार्ट करते हैं। इन केस अगर उस समय कोई लेक्चर चल रहा हो बाय चांस तो हम उसको थोड़ा सा और लेट कर लेंगे। ठीक है भाई, ओके, थैंक यू।